Hello everyone. So today I am going to show that actually ship jo hote hain, if the rain water is coming or the rainy season is there, then what happens to the ship? तो पानी उसके अंदर आते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो रेनी सीजन है, चारों तरफ बारिश अभी हो रही है। तो इस सीन में बेसिकली क्या होता है, पानी जहाज़ का कहाँ जाता है, पानी सब कलेक्ट होता है और क्या जहाज पानी अगर आ रहे हैं तो क्या जहाज डूब सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका सिंपल मैकेनिज्म है। एक तो ये हो गया जो अभी मैं जिस पे खड़ा हूँ, ये होल्ड है का टैंक टॉप है और इसके नीचे होल्ड है। आप इसको देखो ध्यान से, ये देखो नीचे दिख रहा हुआ कंटेनर लोडेड है, उसके ऊपर भी पानी जा रहा है। ये नीचे जो कंटेनर लोडेड है इसके अंदर होल्ड है, होल्ड के अंदर भी पानी जा रहा है, इसके अंदर सारा कंटेनर लोड है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इंटर्स इनसाइड द होल, देयर इज द बिल्ज वेल, एक छोटा सा होल, छोटा सा बिल्ज वेल होता है, बिल्ज वेल इसको कहते हैं, छोटा सा टैंक समझ लो, पानी का टैंक नीचे जमा होने के लिए बना हुआ रहता है। वो टैंक में क्या होता है, वो ना पीछे साइड होता है, हर एक होल्ड में पीछे साइड होता है। तो जहाज हल्का ट्रिम रहता है जब, तो वो सारा पानी पीछे आकर के उस टैंक में चला जाता है और आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द वाटर इनसाइड द टैंक देन वी हैव द बिल्ज पंप होता है, जिसे हम लोग पंप आउट करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से सारा पानी तो लग तो जाते हैं इधर। ये हो गया आपका डेक का कहानी, डेक पे इस तरह से पानी जो होल्ड के ऊपर है, इसके ऊपर आप देख सकते हो पूरे पानी लगे हुए हैं और ये पानी नीचे गिर रहा है। ये कहाँ आ रहा है, मेन डेक पे आ रहा है, जो पैसेज है ना जिसपे हम लोग वॉकिंग करते हैं उस पे आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली वो पानी उस पे जा रहे हैं, तो उस पे वो कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, अभी मैं आपको ले चलता हूँ। अभी ये जितना पानी है, कुछ पानी तो अंदर भी जा रहे हैं, होल्ड के अंदर जा रहे हैं और कुछ पानी नीचे यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ पानी उधर नीचे भी गिर रहे हैं, मेन डेक पे भी गिर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो पानी लगे हुए हैं। ये जब अभी सिप रोलिंग हो रही है, हिल रही है, इसके नीचे भी देख सकते हो, इसके नीचे भी पानी इसी तरह लगी हुई, अगर ध्यान से देखो तो पानी लगी हुई। तो ये पानी भी अभी जो इसके नीचे भी पानी है ना, ये सब निकल के बाहर डेक पे आ जाएंगे और फिर डेक से ये बाहर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो मेन डेक पैसेज वे है, जो मैं आपको एक वीडियो में दिखाया था, ये वॉकवे जो है हमारा आगे से पीछे, सारा पानी इसके ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हो पानी किस तरह फ्लडेड है इसके ऊपर। अभी मैं एक गेट दिखाता हूँ कितने पानी इसके अंदर है। आप देख सकते हो देखो ये पानी किस तरह लगे हुए हैं। अब ये पानी क्या होता है ना, आप ये आगे से पीछे तक इस पे पानी लगे हुए हैं और ये वाटर सारा कलेक्ट होकर के लास्ट वी हैव द बेसिकली इन द मिडिल ऑफ द डेक वी हैव स्मॉल स्कपर पाइप। बेसिकली ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका पर जो होते हैं वो बेसिकली होता है होल होता है, एक होल होता है जो बाहर आपको पानी निकालता है। तो आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो लास्ट में, एकदम लास्ट में वहाँ देखो पानी, मैं वहाँ दिखाता भी हूँ आपको कि वाटर कैसे वहाँ से निकल रहे हैं। ये सब रेन वाटर है, सारा रेन वाटर, ये आप डेक पे देख सकते हो सारा रेन वाटर। आप मैंने आपको एक अंडर डेक वाला दिखाया था ना, जो नीचे दिखाया था पानी ऊपर से लगे हुए थे, वो पानी इधर से ही बाहर आ रहे हैं। आप देखोगे सारा पानी, देखो आप बाहर आ रहे हैं, ये इस तरह करके सारा पानी ये डेक पे आ रहा है।
और ये है बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होल है जिससे पानी निकलते हैं। तो ये अभी बंद है ये वाला होल, क्योंकि लास्ट का एक होल खुला हुआ है। तो बेसिकली ये जब हम लोग बोट के अंदर रहते हैं तो ये होल बंद होना चाहिए, और जब हम लोग बंकर लेते हैं तो ये स्कपर बंद होना चाहिए। इसको स्कपर कहते हैं। अभी आप देख सकते हो किस तरह से वाटर, ये भी जूजम एंड है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि इसी तरह का यहाँ भी बना हुआ है। अभी वो लास्ट वाला जो है ना वो खुले हुए, तो आप इस तरह देखो सारा पानी यहाँ कलेक्ट हो करके आगे से पीछे तक पानी कलेक्ट होकर के आ रहा है, और यहाँ देखो कितने ज्यादा पानी है लगे हुए हैं। यहाँ देख रहे हो पूरा फ्लडेड है यहाँ पे, ये पानी नीचे भी जा रहे हैं, नीचे भी इसी तरह इसका पर पाइप है। अब ये देखो आप देख सकते हो सारा पानी कैसे इसके अंदर जा रहा है। मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ, ये देखो देख रहे हो। तो ये ही पानी जो ही बीच में ये होल है, ये जो मैं आपको अभी होल दिखाया यही होल से सारा पानी, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस होल ही होता है और इससे पानी सारा निकलता है। तो इस तरह से होता है। तो जहाज कभी भी, बहुत लोग का ये क्वेरीज था कि क्या पानी जब आते हैं तो जहाज के अंदर पानी जाता होगा तो वो बाहर कैसे आता, वो तो जहाज में पानी भर जाता होगा, डूब जाता होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर का सॉल्यूशन बना हुआ रहता है, हर का मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ रहता है कि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। होल्ड के अंदर जो इसके अंदर जो पानी जो होल्ड के अंदर मैंने आपको दिखाया था जो इसके अंदर पानी जाते हैं, तो इसका जो इसका हम लोगों को मैनुअली थ्रू द पंप वी हैव टू पंप आउट, हम लोग पंप के द्वारा पंप आउट करते हैं। पंप कनेक्टेड रहता है, उसका कंट्रोल पैनल हमारे शिप्स ऑफिस में होता है और ब्रिज पे होता है, कंट्रोल रूम में होता है। तो हम लोग वहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ से खोलते हैं हम लोग वाल्व, और वहाँ से हम लोग पंप आउट करते हैं। और जो डेक वाला पानी जो आप ये डेक पे और ये नीचे वाले डेक पे जो पानी आते हैं, जो डेक पे और ये डेक पे, इसका पानी इस तरह से ही इसका पर पाइप से, ये जो पाइप होल बना हुआ रहता है ये होल के वैसे पानी बाहर हो जाता है। सो ये है। तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि ऑन द शिप तो वी फ्लड द वाटर, सो जनरली ऑन द शिप वी जनरली डिस्चार्ज द वाटर लाइक दिस द प्रोसेस। सो दिस इज द ऑल द कंपोनेंट एंड द मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन द वाटर, व्हाट इज द वाट एवर द वाटर रेन वाटर इज कलेक्टिंग ऑन द शिप ऑन द डेक, सो दिस वे ऑल द वाटर गेट्स आउटसाइड ऑन द शिप। Okay, so thank you for today. I will meet in the next video.